CWL किंग मार्केट में बैठा है जूता बजाने के लिए तैयार। क्या आप बैठे हो तैयार लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए? 250,000 का एम हो जाना चाहिए पूरा 100 की रफ्तार से, वरना काम रह जाएगा अधूरा। आइए चलते हैं सीधा जूता बजा प्रतियोगिता में। सबसे पहले टैग के लिए गाइस हम निकल गए हैं यहाँ पे। लोली भैया का ये वाला बेस, आपको क्या लगता है लोली भैया के साथ क्या होगा? थोड़ा सा सोच रहा था गाइस मैं कहीं और से अटैक करूं, बट फिर मैंने प्लान चेंज कर लिया क्योंकि इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है, लोली भैया। ब्लिम के साथ मारेंगे इसको। पहले सोचा था कि स्लैमर के साथ मारता हूं। देखो मेरा स्टोन स्लैमर अनस्टॉपेबल है, ब्लिम कभी 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 फंस जाती बेचारी, पर चलो अभी तो फंसी नहीं है, टी एच तक पहुँच गई है। किंग बेचारा ज़्यादा आगे घूम रहा है, क्वीन पीछे रह गई है, जिसकी वजह से दिक्कत में जाएगी क्वीन। चलो सिंगल आ जाएगा क्या? शायद आएगा आएगा, आगे आगे, नाइस। अटलरी भी निकाल लो मजे मजे में। आरसी कोई रेज मारनी पड़ेगी भाई, मर जाएगी वरना। पीछे स्कैटर शॉट वाला कंपार्टमेंट थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है क्योंकि आर्मी कम है, पर जो मेरी क्वीन है उसके अंदर बहुत दम है। गलत फ्रीज कर दी, मेरे को करनी नहीं चाहिए थी आरसी, क्वीन की एबिलिटी दे देनी चाहिए थी, पर चलो कोई नहीं, अब दे देते हैं। देर आए दुरुस्त आए, और आके सभी बेस की गदी बिठाए। नाम है पापा मोगेम्बो, याद कर लो इसको, क्योंकि जो पिलाई है, जो पिलापा है, वो कहीं से भी हो सकता है, इधर से भी आ सकता है होमलाप के ऊपर। नेक्स्ट होम ले के लिए गाइस हमने बेस को चूज कर लिया है। XK41M4 सेट है, रे पता नहीं क्या नाम इसका। स्लैमर के साथ मारेंगे गाइस इसको, पर स्लैमर को उतारेंगे नहीं, स्लैमर को रोक कर रखेंगे बुरे समय के लिए। बुरे समय में काम आएगा गाइस स्लैमर। फिलहाल किंग की गदी बैठते बैठते रह गई है, पहले ईडीज को टीएच निकालना पड़ेगा। ले भाई बुरा वक्त आ गया गाइस, हमारा लावा बाहर निकल गया क्योंकि इसका, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था, लावा को बाहर नहीं आना चाहिए था, पर अब आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। गया टीएच, गया मल्टी, अब बचा बस ये आर्टलरी वाला कंपार्टमेंट, इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के बलून्स लाया हूँ गाइस मैं, आरसी की पिटाई चालू है, किंग पेल रहा है गाइस धर के आरसी को, ये भी हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था गाइस। किंग ने कर दी पिलाई हमारी आरसी की, ना उठाने दी उसको रजाई। थोड़ा सा दिक्कत में है, ज़्यादा दिक्कत में नहीं है, एक फ्रीज है, उसको स्वैग करने की सोच रहा था, बट अभी लग रहा है कि स्वैग नहीं कर पाऊँगा, ग्राउंड एक्स पर परेशान करेगी ना। आपको क्या लगता है स्वैग हो पाएगी? मम्मी आ गई है गाइस, सवाल जवाब करेगी, वीडियो बन रही है, वीडियो से कोई मतलब नहीं है, पर सवाल जवाब एकदम जरूरी है। चलो गाइस फिर स्वैग कर देते, और फिर भी इसको मारेंगे हम ट्रिपल 3 स्टार। अगला होमले के लिए गाइस हमने बेस चूज करा है BV Beast, पुराने जमाने का बेस है ये, थोड़ा सा डेंजरस सा होता है, और इसके ऊपर आज मैं नए जमाने का अटैक करूंगा जो कि इससे पहले कभी किया नहीं है, और आपको देखने को तो मिलेगा ही क्योंकि आप हो मेरे प्यारे भाई बंधु। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, देखो फेल भी हो सकता है और इसकी खाल भी उतर सकती है, दो में से एक काम जरूर होगा। क्वीन की एबिलिटी गई हमारी, खुद ही दे दी मैंने वरना मर जाती क्वीन बेचारी। हैवी डैमेज है टाउन हॉल के बाद,
डबल डबल स्कैटर का। इलेक्ट्रो भाग गए हैं पॉइजन में से निकल के, वो अच्छी बात है। किंग की एबिलिटी जाने वाली है, हमने खुद ही दबा दी। एक और रेज मारेंगे, बालून से सरवाइव कर जाएंगे यहां पे ब्लैक माइंस को। इलेक्ट्रो भी बचे हुए हैं, एक फ्रीज बची है और बची है क्या, इस बेस की जान जो कि अभी निकलने वाली है। गाइस क्या लगता है, फ्रीज स्वैग होगी या नहीं? स्वैग के चक्कर में गदी बैठ जाएगी। वैसे कर सकता था मैं, आरसी के पास एबिलिटी थी, आसानी से स्वैग कर सकते थे क्योंकि पीछे से वार्डन भी आ रहा था। पर यार कभी कभी डाल देनी चाहिए है ना, स्वैग वैग में क्या रखा है, बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। गाइस अगला शिकार हमारे सामने मौजूद है, ये वाला बंदा आशिक नाम है गाइस इसका, इसकी आशिकी निकालनी और हमको इसकी आशिकी निकालेंगे हम टाउन हॉल के सामने से। ठीक है गाइस, एक रेज मारेंगे, टाउन हॉल आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। ऑर्डन एबिलिटी आर्मी थोड़ी थोड़ी गलत जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। क्वीन को मारो वरना क्वीन सबको मारेगी। ऑलमोस्ट आ गया था सीसी, बट सीसी आते आते रह गया। सीसी में अभी लावा मौजूद है जो कि हमको परेशान कर सकता है, बट उसके लिए भी हम कुछ खास कर नहीं सकते। मल्टी टारगेट से निपटना अभी ज्यादा जरूरी है। किंग जा रहा है मल्टी के लिए, पीछे पीछे क्वीन भी है। खतरा सिर्फ सीसी से, इसके सिवा किसी चीज से नहीं है। अब इस्तेमाल करना होगा हमको आरसी का फाइनली। सीसी भाई आ गए हैं, पीसी भैया से बचने के लिए पॉइजन डाला है हमने। आरसी हमारी लपट गई है, सिंगल टारगेट अभी भी बचा हुआ है। चलो कोई नहीं, बचा रहने दो गाइस उसको, उसको भी लगना चाहिए थोड़ी देर के, उसकी जान बच सकती है। देखो मेरा गला ना थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि लगातार टूर्नामेंट चल रहे थे, बोल बोल के इधर उधर थक गया हूँ गाइस मैं, तो उसके लिए मेरे को बोल माफ कर देना। फिलहाल यहाँ पे अटैक करने में कोई थकान नहीं है, अटैक तो वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आए हैं। भाई सिंगल टारगेट ने परेशान कर दिया भाई, वो इनके लिए वॉकेबल नहीं है सिंगल टारगेट, थोड़ी सी परेशान हो रही है बेचारी उसको निकालने में। ज़्यादा परेशान तो होनी नहीं चाहिए वैसे। 98 99 99 गाइस, ना ना ना, 100 100 100 100। एक और आशिक मिल गया गाइस हमको, इसकी भी आशिकी उतारने का जो जिम्मा है वो हमने लिया है क्योंकि हमारी ना चल पाई भैया, मतलब अटैक समझ रहे हो, तो दूसरे का भी रोकना बनता है। क्या बोलती पब्लिक? इनको डैमेज पड़ रहा है बहुत ज्यादा।
टाउन हॉल पे कोई गया ही नहीं है, कमाल हो गया। और क्वीन भी गलत जा रही है। पॉइजन ही नहीं है हमारे पास सीसी के लिए, परेशानी होगी हमें इसकी वजह से। क्वीन सरवाइव कर रही है अभी किसी तरह, कुछ बलून्स भी हेल्प कर रही है। टेस्ला फार्म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोंडा लोग, बट काफी हैवी है टेस्ला फार्म। क्वीन को पकड़ लिया गया सिंगल के द्वारा, सिंगल कर देगा उसको डबल। एबिलिटी बर्बाद होते हुए क्वीन की, और सिंगल अब चूस जाएगा गाइस क्वीन को। आर्चर्स कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रो को और ये मरवा देंगे भाई, ये तो इलेक्ट्रो रेंज में चला गया ना सिंगल के, तो एक एक करके सारे इलेक्ट्रो मरेंगे। चलो गाइस, दिमाग तो लगाया इन्होंने, बट यहाँ पे भी ब्लैक माइंड टकरा गई है। एक इलेक्ट्रो गया, दूसरे की एचपी है जीरो, दूसरा भी गया, बच गया किसी तरह। अब सब कुछ डिपेंड करता है पहले वाले इलेक्ट्रो की एचपी कितनी है। अगर एचपी कम है तो अटैक फेल। एचपी फुल है अभी गाइस, हो सकता है कुछ दूसरे वाले इलेक्ट्रो, क्योंकि जो पीछे वाले इलेक्ट्रो शायद वो कुछ कर दे ना, वो भी ना कर पाया। ये तो भाई साहब सीन ही हो गया। साजीब नाम के इस खिलाड़ी के ऊपर किया जाएगा आज का आखिरी हमला, और हमला होगा बहुत ही ज़्यादा बिमला। बिमला यानी कि अनप्रिडिक्टेबल, इधर से कोई प्रिडिक्ट ही नहीं करेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक, और वो भी स्टोन स्लैमर के साथ। हाईली अनप्रिडिक्टेबल अटैक इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं सोच सकता कि यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक आएगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन से। बहुत दम चाहिए इधर से करने के लिए, वन स्टार हो जाता ना, क्योंकि गाइस क्या पता हमारा भी हो जाए। आपको क्या लगता, हो जाएगा वन स्टार हमारा? देखो जा तो वन स्टार के लिए ही रही है, टोर्नेडो में भी फंस गया है। किंग एबिलिटी है हमारे पास जिसका किया हमने इस्तेमाल। आरसी खा रही है पिटाई। वहीं लेके आ रही है गाइस छड़ी, पॉइजन डाल दिया हमने, परेशान हो गई है क्योंकि हमारी आरसी। अब बताओ गाइस, एकदम जोड़, एकदम प्रो लेवल का अटैक था या नहीं था जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि काफ़ी मुश्किल था ये अटैक, मेरी तारीफ होनी चाहिए। चलो गाइस, ये तो हो गई मजाक की बातें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।